QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2018 की लिस्ट जारी कर दी गई है, जिसमें नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर ने इस साल पहली रैंकिंग हासिल की है। वहीं यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग ने दूसरा और सिंगापुर की नए नॉन्ग टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी ने तीसरा स्थान हासिल किया है। आपको बता दें कि QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग महाद्वीप के प्रमुख विश्वविद्यालय की वार्षिक रैंकिंग बताता है। टॉप रैंकिंग में जगह बनाने के लिए 11 मानकों का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि भारत की कौन कौन सी यूनिवर्सिटी ने टॉप रैंकिंग में अपनी जगह बनाई। तो आपको बता दें कि भारत की ओर से IIT बॉम्बे ने इस रैंकिंग में 33वें नंबर पर अपनी जगह बनाई है। उसके बाद IIT दिल्ली का नाम है, जिसने एशिया की टॉप यूनिवर्सिटी में 40वां स्थान प्राप्त किया है। इस लिस्ट में भारत की तरफ से तीसरे नंबर पर IIT मद्रास है, जिसने 48वें नंबर पर अपनी जगह बनाई है। IIT खड़गपुर ने भारत की तरफ से चौथे नंबर पर अपनी जगह बनाते हुए 53वां स्थान प्राप्त किया है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ने टॉप यूनिवर्सिटी की रैंकिंग में 50वां स्थान हासिल किया है। IIT कानपुर ने 61वां स्थान हासिल किया है। आपको ये भी बता दें कि क्वाकवर्ली साइमंड्स की ओर से जारी प्रेस रिपोर्ट के अनुसार बेहतरीन यूनिवर्सिटी और संस्थानों के मामले में भारत तीसरे नंबर पर आता है। पहले नंबर पर चीन और दूसरे नंबर पर जापान आता है। चीन में 112 और जापान में 79 विश्वविद्यालय हैं, वहीं भारत में 40 नए विश्वविद्यालय के साथ संख्या 75 हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप भारत तक को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही लाइक कीजिए हमारे वीडियोस और शेयर कीजिए।